एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको आईएलडी मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, वहाँ पर हमने रिएक्शंस के लिए और हमने वहाँ पर देखा था शेयर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपके पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हमने वो देखा था, ठीक है। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्स की अगर बात करूँ तो मैंने वहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में आपको बताया था। सिमिलरली मैंने आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मैंने कैंटिलीवर बीम के बारे में भी आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये सारे टाइप के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। सिंपली सपोर्टेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा उसमें जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे टाइप के आते हैं। शियर फोर्स का जो आईएलडी बनता है वो कैसे बनता है, जिगजैग पैटर्न में बनता है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट का कैसे बनता है, आपके पास एक नॉर्मल ट्रायंगल में बनता है जिसका अपर पॉइंट कितना होता है, पीक पॉइंट ए इंटू बी बाय एल, ठीक है। नेक्स्ट में आपके लिए एक और टाइप का आपके पास जो बीम लेके आया हूँ वो कौन सा आपके पास, दैट इज द ओवरहैंग बीम। कौन सा आपके पास, दैट इज द ओवरहैंग बीम्स, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ओवरहैंग बीम के बारे में बात करूं, मान के चलिए ये आपके पास क्या है, दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड में क्या है, यहां पर ओवरहैंग है, दोनों साइड में कैसा है, ये ओवरहैंग हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ डिस्टेंस के बारे में बात करूँ तो ए से बी की डिस्टेंस को मैं कितना ले लिया हूँ, इसको मैं ले लिया हूँ स्मॉल एल। सिमिलरली ए से जो लेफ्ट वाला जो पॉइंट है उसको मैंने बोल दिया उसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ई। सिमिलरली बी से जो उसका राइट एंड जो है उसको मैंने डिस्टेंस ले लिया कितना, वो है स्मॉल एफ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कि जो इस पर रिएक्शंस जो आ रही है, ए और बी आपके पास सपोर्ट दिख रहा है, ए और बी सपोर्ट पे जो रिएक्शंस आ रही है वो कितनी आ रही है, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोड जो है, लोड को मुझे ट्रैवल कराना है, कितने लोड को, यूनिट लोड को मुझे इस पूरे बीम में ट्रैवल करवाना है। तो जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले कहाँ पर रखा हूँ, मैं यूनिट लोड को मैंने सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाले स्पैन में रखा है, तो ये जो ए का जो लेफ्ट वाले स्पैन में मैंने यहाँ पर क्या लगाया, मैंने यहाँ पर यूनिट लोड को प्लेस किया, कितने डिस्टेंस पर प्लेस किया मैंने, ये ए से मैंने डिस्टेंस कितनी प्लेस किया, एक्स डिस्टेंस पे मैंने प्लेस किया, ठीक है। तो यहां पर मैंने यूनिट लोड को प्लेस कर दिया। अब अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो यहां पे दो रिएक्शंस आएंगे, कौन कौन से, दिस वन विल बी आर ए एंड दिस वन विल बी आर बी, क्लियर। चलिए रिएक्शंस अगर मैं निकालने बोलूं तो रिएक्शंस निकालना, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं समेशन ऑफ एम बी इक्वल्स टू जीरो की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, दो फोर्स आ रही है यहाँ पर, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कितना वन, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एल। दूसरा क्या जा रहा है क्लॉकवाइज, वो कितना आ रहा है, प्लस आर ए इंटू एल इक्वल्स टू कितना हो रहा है वो जीरो। तो यहाँ पर अगर मैं आर ए की बात करूँ तो आर ए की बात करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा ये एल। तो यहाँ पर आर ए कितना आ रहा है आपके पास रिएक्शन, एल प्लस एक्स अपॉन एल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आर बी की बात करूं तो यहां पर अगर मैं समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो की बात करूं तो ऊपर जाने वाली फोर्सेस कौन कौन सी है, आर ए प्लस आर बी, नीचे आने वाली फोर्स कितनी है, जो यूनिट लोड आपने लगाया हुआ है। तो यहां पे आर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, एल प्लस एक्स बाय एल प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना हो रहा है वो वन। तो यहां से अगर आप आर बी देखोगे तो कितना हो रहा है, वन माइनस एल प्लस एक्स अपॉन कितना हो रहा है वो एल। तो यहां से अगर आप आर बी निकालेंगे तो आर बी कितना हो जाएगा आपके पास, दिस वन विल बी एल माइनस एक्स, एल माइनस एल माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एल, ठीक है। आर बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, माइनस एक्स बाय एल, इसका मतलब माइनस लगा है तो मतलब ये जो मैंने अपवर्ड जो अज्यूम किया था वो गलत अजम्पशन था मेरा, जो मैंने अपवर्ड फोर्स को जो मैंने अज्यूम किया था वो गलत एजम्पशन है। एक्चुअल में फोर्स कहाँ पर आएगी, डाउनवर्ड आएगी, कितनी इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, रिएक्शन कितना रहेगा, आर बी इक्वल्स टू एक्स बाय एल। ये चीज़ समझ में आई, ये क्या है आपने, हमने लोड यूनिट लोड को मैं ट्रैवल करवा रहा हूँ और दोनों के रिएक्शन को मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, आर ए और आर बी की वैल्यू क्या हो गई, मुझे मिल गई है इजिली, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे यहाँ तक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, मुझे बनाना है आईएलडी, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है
आई एल डी किसके किसके लिए बनाते हैं हम आई एल डी बनाते हैं रिएक्शंस के लिए, हम आई एल डी बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालते हैं, उस पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालने के लिए आई एल डी बनाते हैं। सिमिलरली जब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने का आई एल डी भी हम बनाते हैं। तो चलिए मैं फिर से इसको मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाले केस की अगर मैं बात करूँ कि आपके पास पहला वाला केस क्या है, मैं रिएक्शंस के लिए बना रहा हूँ, आई एल डी फॉर रिएक्शंस। रिएक्शंस मतलब आर ए और आर बी। तो चलिए मैं सबसे पहले आर बी के लिए बना देता हूँ। सबसे पहले किसके लिए बना रहा हूँ मैं, फॉर रिएक्शन आर बी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले वाले केस में मैंने यूनिट लोड को कहाँ पर रखा है, मैंने ए के लेफ्ट साइड में रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, व्हेन यूनिट लोड इज ऑन द लेफ्ट साइड, इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, व्हेन द यूनिट लोड इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट ए, तो मैंने यहां पर रख लिया इस ए के लेफ्ट पे रख लिया मैंने यूनिट लोड को। चलिए अब यहां पर अगर मैं बोलूं रिएक्शंस मेरे को बताना है, ठीक है, तो आर बी, आर बी के लिए मैं बता रहा हूं ना, आर बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आर बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x बाय एल। कैसा है वो, एक्ट कैसे कर रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, कैसे एक्ट कर रहा है वो, डाउनवर्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन माइनस में, माइनस x बाय एल। तो यहां पर मेरे को बताइए अगर सबसे एक्सट्रीम एंड में होगा, सबसे लेफ्ट पॉइंट पे होगा, चलिए इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ, दिस इज ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, कोई सपोर्ट नहीं है सी और डी। ठीक है, बस ये क्या है आपके पास, एंड है। तो यहां पर अगर मैं बात करूँ कि जब हम पॉइंट ए पे ले रहे हैं, एट पॉइंट ए, तो अगर मैं पॉइंट ए की बात किया, अगर मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूनिट लोड कहां पे लगा है अभी, कोई एक x डिस्टेंस पे लगा है। तो अगर मैं यहां पर a में बात कर रहा हूं, a पॉइंट पे, तो वहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहां से आप मेरे को बताइए आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो। लेकिन अगर मैं पॉइंट कौन से पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, एट पॉइंट सी पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, एट पॉइंट सी पे बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं पूरे इस पॉइंट तक ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए एक्स को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, पूरा ई डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ए से सी का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ई डिस्टेंस है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ई, तो रिएक्शन कितना हो जाएगा, आर बी की वैल्यू हो जाएगी, एक्स बाय एल की जगह कितना हो जाएगा ये, ई बाय एल, और वो कितना हो जाएगा, वो डाउनवर्ड में रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा वो, डाउनवर्ड में रहेगा, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आर बी कितना होगा, सी पॉइंट पे कितना होगा, आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बाय एल। तो यहां पर काम करता हूं मैं, आई एल डी फॉर आर बी मैं बना रहा हूं, आई एल डी फॉर आर बी। ठीक है, तो ये है मेरे पास डिस्टेंस, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, और यहां पर ये कुछ डिस्टेंस है सी पॉइंट, और ये कुछ डिस्टेंस है कौन सा, दिस इज डी पॉइंट। तो यहां पर कितना आ रहा है, आर बी की वैल्यू कितनी हो रही है सी पॉइंट पे, माइनस ई बाय एल, या फिर डाउनवर्ड बोल रहा हूं मैं, कितना है वो, ई बाय एल। सिमिलरली ए पॉइंट पे कितना आया, ए पॉइंट पे आर बी की वैल्यू कितनी है, ए पॉइंट पे है आर बी की वैल्यू जीरो। तो हमें ये दोनों मिल गया, हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिल गई है, ए पे कितना आया हमारे पास, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कहाँ पर, मैंने कहाँ पे प्लेस किया अभी यूनिट लोड को, मैंने कहाँ पे प्लेस किया था, यूनिट लोड इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट ए। नेक्स्ट मैं देखता हूँ, व्हेन यूनिट लोड, व्हेन यूनिट लोड इज बिटवीन ए एंड बी, व्हेन यूनिट लोड इज बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, अब यहां पे बात करता हूं मैं, तो अब ये वन को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, मैं अगर अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड वगैरह मिटाना पड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पर इस वाले डायग्राम को आप रहने देना, नेक्स्ट से आप फिर से एक डायग्राम बनाना। अब क्या हो रहा है मेरे पास, मैंने क्या किया, यहां पर मैं कुछ, यहां पर मैं लगा रहा हूं यूनिट लोड, डिस्टेंस कितनी हो गई, अब ये वाली डिस्टेंस हो गई x, ए और बी के बीच में मैं क्या लगाया, मैंने एक यूनिट लोड को लगाया,
तो मेरे को बताओ यहाँ पर रिएक्शन कितना हो जाएगा, अगर ये x है, टोटल a से b l है, तो ये कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। तो रिएक्शन कितना हो जाएगा आर ए एल माइनस एक्स बाय एल, और आर बी कितना हो जाएगा अगेन x बाय एल। कोई डिफरेंस आया क्या आर बी पे, आर बी पे कोई डिफरेंस आया क्या, पहले भी x बाय एल था, अभी भी कितना है वो x बाय एल, लेकिन डिफरेंस बिल्कुल आया है कि यहाँ पर जो रिएक्शन जो रहेगा वो कैसा रहेगा आपके पास, अपवर्ड रहेगा। ठीक है, आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी x बाय एल अपवर्ड। अब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको वो कर लेना, ठीक है, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन एम ऑफ बी या फिर एम ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, तो आप देख लेना आर ए और आर बी की वैल्यू इतनी ही आएगी। नहीं तो जब भी यूनिट लोड जब भी लगे रहता है या फिर कोई भी लोड रहेगा तो आर ए जो रिएक्शन होता है वो लोड इंटू ये वाला डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। सिमिलरली आर बी कितना होता है लोड इंटू ये वाला डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, तो वन इंटू एक्स बाय एल इतना ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप आर बी देखोगे वेन लोड इज बिटवीन ए एंड बी, तो आर बी कितना आ रहा है आपके पास, आर बी आपके पास आ रहा है अगेन एक्स बाई एल, और डायरेक्शन कैसा है वो डायरेक्शन है अपवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर अगर मैं दोनों पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, अगर मैं पॉइंट ए पे चेक कर रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ तो ए से कुछ एक्स डिस्टेंस पे है, तो अगर मैं ए पे ही चेक कर रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। अगेन मैं देख रहा हूँ एट ए x की वैल्यू कितनी हो गई जीरो, तो आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो बाई एल, मतलब कितना जीरो। लेकिन अगर मैं एट बी पे चेक कर रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट बी पे, बी पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा b तक आने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा l, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास l। तो यहाँ पर आर बी कितना हो जाएगा x बाई एल, मतलब l बाई एल दैट इज इक्वल्स टू वन। ठीक, तो आपके पास ये हो गया, तो मतलब R एट A पॉइंट पे R B कितना है जीरो, ये तो हमें पहले भी पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि B पॉइंट पे कितना है, तो कितना है वो वन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जोड़ लेना रिएक्शंस को, तो वो कितना हो जाएगा, वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये कितना है आपके पास, ये वाली जो पॉइंट आया ये कितना है आपके पास, दिस इज वन। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास, दिस इज वन। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब नेक्स्ट मैं किस पे कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा जो यूनिट लोड है वो कहाँ पे लगा है, मेरा बी डी वाले स्पैन पे लगा है। अगर बी डी वाले स्पैन की बात करूँगा तो यहाँ पर आपके पास एट बी पे तो आपने निकाल लिया कितना है आपके पास वन का आया है। अगर एट डी की बात करूँगा, इस डी पॉइंट की बात करूँगा, तो एक्स की वैल्यू D तक कितनी हो जाएगी, अगर A से ट्रैवल कर रहा है तो D तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसे, L प्लस F। D तक आने के लिए X को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, एट D की बात करूं तो X को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, L प्लस F। तो यहां पर अगर मैं RB निकाला तो RB की वैल्यू क्या थी, X बाई L, तो यहां पर क्या पुट करूंगा मैं, L प्लस F बाय L, L प्लस F बाय एल। ठीक है, तो यहाँ पर ये और आगे जाएगा और यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा एल प्लस एफ बाय एल। ठीक है, तो ये जो बना है आपके पास, ये बना है क्या आई एल डी, किसके लिए, रिएक्शन एट बी के लिए। ठीक है, ये क्या बना है आपके पास, रिएक्शन एट बी के लिए। तो इधर से आप ट्रायंगल देखिए, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये क्या बन रहा है आपके पास, नेगेटिव ट्रायंगल, और ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है टोटल क्या बन रहा है आपके पास, पॉजिटिव ट्रायंगल बन रहा है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपके पास, दिस इज एल प्लस एफ बाई एल। सिमिलरली जो एंड वाला जो लेफ्ट पार्ट वाला जो था वो कितना आपके पास, सिर्फ ई बाय एल। इसी को देखिए, अगर मैं क्या बनाऊँ, अगर मैं आई एल डी फॉर आर ए बनाऊँ, आई एल डी फॉर आर ए, तो वो कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या मुझे, वीडियो पॉज करके एक बार देखना, चेक करिएगा। ये क्या है हमारे पास, दिस इज ए दिस इज बी। तो अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा पता चलेगा कि जब ए के लिए बनाओगे तो इसी का जस्ट क्या बन जाएगा, वो रेप्लिका बन जाएगा। मतलब यहाँ पर दिस वन विल बी डायग्राम अच्छा नहीं बना,
ठीक है, ये क्या है आपके पास, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज योर सी पॉइंट एंड दिस इज योर डी पॉइंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो अब ध्यान रखिएगा, जब ए के लिए बनाओगे तो ये ए उठ जाएगा कितने से, दिस वन विल बी वन, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी एल प्लस ई अपॉन एल, और अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी एफ बाय एल, ये नेगेटिव है और ये वाला जो है ये कैसा है आपके पास, पॉजिटिव ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ए और बी को अगर आप चाहो तो इसका ए के लिए भी आप रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, वैसी सिमिलर अलग अलग लोडिंग करके आप निकालना। तो जैसे मैंने आर बी के लिए निकाला है अलग अलग पॉइंट पे ए बी सी डी पे, आप वैसी आर ए के लिए भी निकाल सकते हो। तो कुछ इस टाइप से आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आई एल डी बनेगा दोनों का, आर बी का भी और आर ए का भी। समझ में आया? तो इस टाइप से आपको रिएक्शंस का आई एल डी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये था आपके पास से आपके पास ओवरहैंग बीम के लिए जो रिएक्शंस के जो आई एल डी होते हैं वो कैसे बनते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ शेयर फोर्स के लिए, तो शेयर फोर्स का भी आई एल डी आपको बताता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे किसको, बेंडिंग मोमेंट के लिए भी आई एल डी कैसे बनता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप जब तक इसको नोट डाउन करिए, मैं ब्लैक बोर्ड मैं व्हाइट बोर्ड रब करता हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं शेयर फोर्स का। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए आपके पास आई एल डी कैसे बनेगा। तो जैसे मान के चलिए आपके पास ये ओवर हैंग बीम मैं बना रहा हूँ, दिस इज योर ओवर हैंग बीम, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, यहां पर दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। मान के चलिए मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं कि शेयर फोर्स कहां पे निकालना है आपको, शेयर फोर्स निकालना है आपको किसी पॉइंट सी पे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सी मैंने कौन सा पॉइंट बोला है, ये दोनों के बीच का पॉइंट बोला है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है ए से बी, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास ए से बी, ए से सी आपके पास स्मॉल ए है, सी से बी आपके पास स्मॉल बी है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वाली डिस्टेंस है आपके पास एफ, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वाली डिस्टेंस है आपके पास ई। क्लियर है? तो आपके पास कुछ ऐसे टाइप का आपके पास ये बन चुका है, थोड़ा डायग्राम उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा फिर भी। चलिए अगर मैं सी की बात करूं तो सबसे पहले देखिए आप यहां पर देखिए ये आपके पास क्या है, ए बी आपके पास नॉर्मल सपोर्टेड बीम है, ए बी आपके पास कैसा है नॉर्मल सपोर्टेड बीम है, और यहाँ पे सी पॉइंट पे आपको शेयर फोर्स निकालना है। आई एल डी फॉर कहाँ पे निकालना है आपको, आई एल डी फॉर शेयर फोर्स एट सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो ये आपके पास दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, आप किसी सी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो हम नॉर्मल अगर मैं ओवरहैंग को अगर मैं कंसिडर नहीं करूँ, अभी ओवरहैंग को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली अगर मैं सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो शेयर फोर्स आपको निकालना पता था, कैसे निकालते थे हम कुछ इस टाइप से क्या करते थे, बना लेते थे। ये क्या था हमारे पास, दिस वॉज ए बाई एल एंड दिस वॉज बी बाई एल। ओवरहैंग की अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ए से बी को कंसिडर कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो शेयर फोर्स का जो आई एल डी बनता था वो कैसा बनता था, ये नीचे आता था ए बाई एल और ये ऊपर आता था बी बाई एल। अगर आप बोलोगे कि सर एल क्या है, ठीक है, अगर आप बोलोगे सर एल क्या है, तो पूरा ए से जो बी का डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास एल है। ठीक है, तो आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है ए से बी का वो कितना आपके पास एल है, ए से सी की डिस्टेंस कितनी है आपके पास स्मॉल ए, और सी से बी डिस्टेंस कितनी है आपके पास स्मॉल बी। बी से ये वाला एंड वाला डिस्टेंस स्मॉल एफ है, और ए के लेफ्ट वाला पोर्शन जो है वो कितना है आपके पास स्मॉल ई। चलिए, तो आपने नॉर्मल आपने ए से बी वाले सपोर्ट के लिए आपने आई एल डी बना दिया। अब अगर मैं बताऊं कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो कैसे बनाएंगे हम, तो ये जो ओवरहैंग जो जा रहा है ना उसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, उसको मैंने यहाँ से क्या किया, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये मैंने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। ये वाले स्पैन कितना था आपके पास स्मॉल ए, तो इस वाले स्पैन के लिए आपके पास जो आई एल डी का जो पीक पॉइंट आया वो कितना आया था ए बाई एल। सिमिलरली ये वाले स्पैन का आपके पास स्पैन कितना था स्मॉल बी, और इसका जो पीक पॉइंट आया वो कितना है आपके पास बी बाई एल। तो मेरे को बताइए ये वाला स्पैन कितना है आपके पास स्मॉल ई, तो अगर मैं पीक पॉइंट की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा आपके पास स्मॉल ई बाई
एल। सिमिलरली ये वाला स्पैन कितना है आपके पास, स्मॉल एफ, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास स्मॉल एफ बाई एल। तो ध्यान रखिएगा ये क्या आपके पास, दिस इज योर पॉजिटिव नेगेटिव डायग्राम्स। ऑर्डिनेट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारी स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है। ये सारी कैसी है, स्ट्रेट लाइन, ये आपको पहले से पता था ए बाई एल और बी बाई एल के बारे में। अभी मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ए की जगह क्या हो गया ये ई, सिमिलरली बी की जगह क्या हो गया ये एफ। तो ये क्या है आपके पास, आई एल डी फॉर शेयर फोर्स एट द पॉइंट सी। कौन सा पॉइंट है ये, दिस इज योर पॉइंट सी। आगे मैं बात करूं आई एल डी फॉर किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए बात करूं, फिर कैसे करेंगे हम। अगेन यहां पर हम देखते हैं, तो ए से बी को मैं सिर्फ नॉर्मल क्या मान ले रहा हूं, मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान ले रहा हूं। तो उसके लिए अगर मैं ए से बी आपके पास नॉर्मल सिंपली सपोर्टेड बीम होता और यहां पर सी पॉइंट पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालते तो आप कैसे निकालते जरा बताइए मुझे। अगर ये ए है, दिस इज योर बी, ठीक है, और मैं किसी सी पॉइंट पे क्या कर रहा हूं, किसी सी पॉइंट पे मैं बना रहा हूं बेंडिंग मोमेंट, आई एल डी किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो वो कितना हो जाएगा, वो हम कैसे बनाते थे, कुछ इस टाइप से बनाते थे ऐसा, ये वाली डिस्टेंस थी स्मॉल ए, दिस वॉज स्मॉल बी, तो पीक जो पॉइंट आता था वो कितना होता था ए इंटू बी बाय एल, ठीक है, वो कितना होता था ए इंटू बी बाय एल। अब अगर मैं यहां पर ये वाले पॉइंट के लिए बनाऊं, ये क्या है हमारे पास ई और ये वाले डिस्टेंस क्या है हमारे पास एफ, तो हम इसी को क्या करेंगे, इसी को हम बढ़ा देंगे यहां से, हम इसी को क्या करेंगे यहां से इसको कंटिन्यूएशन में लेके आएंगे क्योंकि ये ओवरहैंग है। अब मेरे को बताइए, सिंस ये ओवरहैंग था तो ये आपके पास जो पॉइंट मिल रहा है आपको इसका ऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, इसका ऑर्डिनेट तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास क्या है, दिस वॉज ए इंटू बी बाय एल, तो लेफ्ट साइड में आपके पास जो स्पैन था वो कितना था ए, और यहां पर अभी आपके पास स्पैन कितना है तो ई है, तो ए की जगह आप क्या लिख लेंगे ई इंटू बी बाय एल। सिमिलरली जैसे कि हमने यहां पर देखा था, दिस वॉज वॉट, दिस वॉज ए बाई एल, लेकिन हमने जैसे ही एक्सटेंड किया था तो ए की जगह पे हम कौन से स्पैन में बना रहे थे, हम ई वाले स्पैन पे बना रहे थे, तो वो कितना हो जा रहा था ई अपॉन एल। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो ये क्या था आपके पास बी बाय एल, इसको अगर मैं स्पैंड करूंगा तो यहां पर आपके पास जो स्पैन है वो कितना है आपके पास बी की जगह, वो कितना स्पैन है एफ, तो जो ऑर्डिनेट आएगा वो कितना हो जाएगा एफ बाई एल। सिमिलरली यहां पर भी ए की जगह पे मैंने कितना पुट किया यहां पर ई, और यहां पर बी की जगह पे मैं कितना पुट करूंगा एफ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास ए इंटू एफ बाय एल, और ये कितना हो जाएगा ई इंटू बी बाय एल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपके पास जो साइन जो बन रहा है ऊपर बन रहा है ट्राइंगल, तो दिस विल बी पॉजिटिव, बाकी ये जो दो ट्राइंगल जो हैं ये कैसे बन रहे हैं नीचे बन रहे हैं, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके पास नेगेटिव। अगर आपको लगता है कि मैं एक बार इसको बना के देखूंगा तो वैसे ही करना, अलग अलग स्पैन में आप यूनिट लोड को बनाते हुए चलना और आप उसके रिएक्शंस और बेंडिंग मोमेंट अगर आप कैलकुलेट करते हुए चलोगे तो आपको हर पॉइंट पे मोमेंट वगैरह जो मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे आपको इसी ऑर्डिनेट के मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बताया कि पहले आप नॉर्मल ए बी के लिए जैसे आप बनाते थे ए बाई एल बी बाई एल, बेंडिंग मोमेंट के लिए भी ए बी के लिए जैसे बनाते थे ए इंटू बी बाई एल, उसी को आप एक्सपैंड करके ए की जगह पे ई पुट करना और वहाँ पे बी की जगह पे क्या पुट करना है आपको एफ, ठीक है, तो आपको एंड के भी आपको क्या मिल जाएंगे वहाँ पर ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ये तीन डायग्राम आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले रिएक्शंस के लिए आर ए आर बी का जो मैंने बताया था इसके पहले, नेक्स्ट आपके पास आता है शेयर फोर्स के लिए, और नेक्स्ट आपके पास आता है बेंडिंग मोमेंट का आई एल डी ओवरहैंग बीम के लिए कैसे बनता है। समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपके पास सिंपली सपोर्टेड का, कैंटिलीवर का भी ठीक है आ सकता है क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ओवरहैंग का भी ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा टफनेस की बढ़ जाती है, तो आपको आई एल डी इसका भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से बना लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके एप्लीकेशन ऑफ आई एल डी, वहाँ पर मैं बताऊँगा कि जब लोड्स लग रही है तो वहाँ पर हम डायग्राम बना के कैसे हम किसी भी क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम उसके एप्लीकेशन को भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको जब तक आप बहुत अच्छे से बनाइए, अब देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको निकालना है आई एल डी फॉर शेयर फोर्स एट सी अंडर द गिवन लोडिंग, और लोडिंग के बारे में आपको बताया है कि यहाँ पर आपके पास एक यूडीएल ट्रैवल कर रहा है, कितने का 80 किलोमीटर पर मीटर का, एक यूडीएल आपको ट्रैवल कर रहा है 80 किलोमीटर पर मीटर का पूरे जगह पे,
आपसे पूछा गया है कि आपको क्या बताना है यहां पर, आपको बताना है मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी। ठीक है, तो आपको यहां पे बताया 80 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, वो आप कहीं पर भी रख सकते हो, आपकी जहां मर्जी रख दो, जितने स्पैन का आपको लेना है ले लो, क्योंकि पूरे पे मूव कर रहे हैं। बट कंडीशन क्या है, आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकालना है किसमें, सी पॉइंट पे। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, ये ए बी आपके पास क्या है, आपके पास सिंपली सपोर्टेड आपके पास बीम है और ये ओवरहैंग हो रहा है ए से डी और बी से ई पे। स्पैन आपको दिया गया 3 मीटर 3 मीटर 4 मीटर एंड 2 मीटर। आपसे पूछा कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपके पास शेयर फोर्स का अगर मैं क्या बना लूं, आईएलडी बना लूं, तो कैसे बनेगा वो, दिस इज ए दिस इज सी दिस इज बी और ये कुछ इस टाइप से। तो ये कितना है आपके पास, ये आपके पास डी पॉइंट है और ये कौन सा है आपके पास, ये आपके पास ई पॉइंट है। ठीक है, मैं फिर से बना दिया और ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड है, दिस इज योर 3 मीटर दिस इज 3 मीटर दिस इज अगेन 3 मीटर दिस इज 4 एंड दिस इज 2 मीटर। तो अगर मैं सी पॉइंट पे अगर मैं बना रहा हूँ तो इसका आईएलडी कैसे बनेगा। अच्छा, टोटल अगर एल की बात करूँ, एल क्या होता है हमारे पास, एल हमारा ये वाला डिस्टेंस होता है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, 7 मीटर का। तो अगर मैं सी पे बनाऊंगा, ठीक है, अगर मैं सी पे बनाया तो कैसा बनेगा, शेयर फोर्स ऐसा बनता है हमेशा, पहले मैं क्या बताया था, ए से बी वाला जो सिंपली सपोर्टेड जो स्पैन है उस पर क्या करना है, आप ए से बी वाले के लिए आप नॉर्मल जो ऐसे आई एल डी बनाओगे शेयर फोर्स के लिए आप वैसा बना देना, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, जो ओवरहैंग जो है वहाँ से आप क्या करोगे उसको एक्सटेंड कर दोगे। ठीक है, जो ओवरहैंग रहेगा वहाँ से आप क्या करोगे उसको एक्सटेंड कर दोगे। ये वाली वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ए बाई एल, ये वाली वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ए बाई एल। ए क्या है हमारे पास, ए से सी की डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/7। एल क्या है हमारे पास, 7 मीटर। ये वाला क्या होता है, बी बाई एल, बी कितना हमारे पास, 4, एल कितना हमारे पास, 7। ये कितना होता है हमारे पास, ई बाई एल, तो ये कितना हमारे पास, 3/7। और ये कितना हमारे पास होता है, एफ बाई एल, तो ये कितना हो जाएगा, 2/7। समझ में आया, तो ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है रोलिंग लोड का कंसेप्ट, एप्लीकेशन जो आईएलडी है, तो आईएलडी तो आप बना लोगे, आईएलडी तो मैंने आपको समझा दिया, आपको आईएलडी बनानी कैसी है, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, एप्लीकेशन पे। अब आईएलडी बना के करोगे क्या, करना क्या है मुझे आईएलडी बना के, तो मैंने बना लिया। अब जो लोड की जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो यूडीएल जो है ये कितना है हमारे पास, 80 किलोन्यूटन पर मीटर का जो यूडीएल है ये पूरे पे ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, पूरे पे ट्रैवल कर सकता है, इसमें आपको बोला है मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स बनाइए बताइए और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स बताइए। ठीक है, तो ये यूडीएल को मैं कहाँ पे प्लेस करूँ ताकि मुझे क्या मिले, मुझे मिले मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव। तो देखिए, पॉजिटिव वाला ट्रायंगल कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक ये वाले स्पैन पे आ रहा है, कौन सा, डी ए स्पैन पे, और दूसरा कहाँ पे आ रहा है आपके पास, सी से बी स्पैन पे आपके पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव ट्रायंगल आ रहा है। तो अगर मैं मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की बात करूँ, मैक्सिमम पॉजिटिव की बात करूँ, तो मैं कहाँ पे रखूँगा यूडीएल, ऑब्वियसली जहाँ पे पॉजिटिव वाले ट्रायंगल बन रहे हैं उसी के ऊपर रखूँगा। तो मैं मैक्सिमम पॉजिटिव की बात करूँगा, तो मैं ये यूडीएल को कहाँ पे प्लेस किया, मैंने यूडीएल को प्लेस किया जहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, पॉजिटिव ट्रायंगल बन रहा है, मैं वहाँ पर क्या कर दूंगा, उसको प्लेस कर दूंगा। इंटेंसिटी कितनी मेरी यूडीएल की, यूडीएल की मेरी इंटेंसिटी है 80 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो अब देखिए आप मेरे को बताइए, सिर्फ डी ए स्पैन और सी बी स्पैन पे क्या बन रहा है हमारे पास, पॉजिटिव ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स बताया एट सी पॉइंट पे, तो वो कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी इनटू एरिया अंडर गिवन अंडर आईएलडी। तो ये वाला ये कितना है हमारे पास, 3 मीटर और ये कितना है हमारे पास, 3/7। तो एरिया कितना हो जाएगा ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट कितना है, 3/7। सिमिलरली प्लस अगर मैं इसका एरिया का अगर मैं वो बताऊँ, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स बताऊं, अगेन क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिटी इनटू एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना है हमारे पास, दिस इज 4 मीटर, हाइट कितनी है, 4/7, तो दिस इज 4 इनटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4/7।
तो मेरे को वैल्यू बताइए यहाँ से, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स का, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी कितना हो रहा है, कैलकुलेट करिए आप, ये कितना हो जाएगा 9/14 × 80, कितना आ रहा है आपके पास, वैल्यू कितनी आ रही है? (142.86) वैल्यू कितनी आ रही है ये, प्लस प्लस में आएगा आपके पास कितना, 142.86 किलो न्यूटन। समझ में आया मैक्सिमम पॉजिटिव कैसे निकालना है? सिमिलरली अगर मैं क्या किया, अगर मैं मैक्सिमम नेगेटिव के बारे में बात किया, मैक्सिमम नेगेटिव के बारे में बात करा, तो नेगेटिव ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, एक आपके पास ए सी स्पैन पे, दूसरा आपके पास बी से ई स्पैन पे, तो मैं यूडीएल कहाँ पे लगाऊंगा, मैं जो नेगेटिव वाला जो ट्रायंगल है मतलब ए सी पे लगाऊंगा, और दूसरा मैं कहाँ पे लगाऊंगा, बी ई पे। तो यहाँ पर अगर आप मैं बात करूँ फॉर मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपके पास दिस इज़ डी, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी एंड दिस इज ई। तो आप मेरे को बताइए कहाँ पे रखेंगे हम, पहले हम ए सी वाले पे हम यू डी एल लगाएंगे मैक्सिमम नेगेटिव के लिए, और दूसरा हम बनाएंगे किसमें, बी से ई स्पैन पे। इसका मेरे को वो बताइए ये कितना है, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर। तो आप मेरे को बताइए मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा इंटेंसिटी, कितनी है इसकी इंटेंसिटी, 80 इंटू नीचे वाला ट्रायंगल, एसी के अंदर जो ट्रायंगल आ रहा है इसका एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज 3 मीटर, हाफ बेस इंटू हाइट कितनी है 3/7, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 3 इंटू हाइट कितनी है -3/7। क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये नीचे बन रहा है, नेगेटिव ट्रायंगल है तो इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा -3/7, प्लस एक और ट्रायंगल आ रहा है नीचे डाउन साइड में, तो उसके भी हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ये कितना है हमारे पास, दिस इज 2 मीटर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है -2/7। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिए मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी बताइए कितना आ रहा है आपके पास, इसको कैलकुलेट करिए तो आपके पास आंसर आएगा कितना, -74.29 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये रोलिंग लोड का क्या आ रहा है, इसका एप्लीकेशन आ रहा है कि जो लोड्स जो आपके पास जो लाइव लोड जो मूव कर रहे हैं इस पूरे स्पैन पे, मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स और पॉजिटिव शेयर फोर्स, आप वो लाइव लोड को कहाँ पे प्लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमें वो किसके हेल्प से पता चल गया, हमें उसके आईएलडी शेयर फोर्स के लिए जो हम आईएलडी बना रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कब आपके पास लाइव लोड कहाँ प्लेस करना है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स पता चले, तो कुछ इस टाइप से हमें पता चल जाएगा। समझ में आया वो कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो उसमें मान के चलिए आपके पास सेम क्वेश्चन है ऐसी, इसमें आपके पास दो व्हील लोड लगी हुई है। ठीक है, दो व्हील लोड लगी है 200 और 80 किलो न्यूटन की 0.8 मीटर अपार्ट। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2, 1.5, 1.5, 3, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पर दो व्हील लोड है, दो व्हील लोड है, दिस इज 200 किलो न्यूटन एंड दिस इज 80 किलो न्यूटन, दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.8 मीटर अपार्ट है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है 0.8 मीटर अपार्ट है, आपको मुझे बताना है मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी।
कंडीशन क्या रहेगी, हमेशा कंडीशन ये रहेगी जो 80 वाला जो है वो ट्रेल कर रहा है, मतलब वो लीड कर रहा है। तो अगर आप इसको प्लेस करोगे तो इसको ऐसे उल्टा फुल्टा प्लेस नहीं कर सकते हो, हमेशा आप जहाँ पर भी प्लेस कर रहे हो 80 आगे रहेगा और 200 क्या रहेगा पीछे, और दोनों की जो डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं हो सकती, व्हील की लोड की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो सकती। आपको बस ये बताना है कि शेयर फोर्स एट सी पे जो मैं निकालूंगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव कब देगा, तो उसके हिसाब से आपको लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी कि मैं कहाँ पे रखूँगा तो मेरे को सी पॉइंट पे मैक्सिमम शेयर फोर्स मिलेगी। सिमिलरली मैं इस व्हील लोड को मैं कहाँ पे रखूँगा तो सी पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम क्या मिल जाए, नेगेटिव शेयर फोर्स मिल जाए। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, शेयर फोर्स एट सी के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ILD बनाना पड़ेगा। फिर वो ILD बनाने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव ट्रायंगल में कहाँ पे रखना है मुझे ये वाली लोड को, सिमिलरली नेगेटिव ट्रायंगल पे मुझे कहाँ पे रखना है ये वाली लोड को। तो ये वाली दोनों आप मुझे वैल्यूज़ बताएंगे कमेंट पे, ठीक है। आप कमेंट करिए मुझे ये दोनों वैल्यूज़ के बारे में, आप मेरे को बताएंगे। क्वेश्चन को डायग्राम अच्छे से लिख लीजिए, डिस्टेंस वगैरह अच्छे से लिख लीजिए। सी पॉइंट पे आपको बताना है मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके पहले वाले जो बताया मैंने ये UDL का कंसेप्ट था। UDL में हमेशा क्या होता है, हम एरिया लेते हैं, लेकिन पॉइंट लोड में कभी एरिया नहीं लेंगे, सीधा सीधा हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑर्डिनेट से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको आप सॉल्व करिए, कमेंट बताइए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं किसका, बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के भी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। चलिए बेंडिंग मोमेंट के लिए भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल आसान से क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तो ये ओवरहैंग बीम है आपके पास, अगेन ठीक है। तो ये वाली ओवरहैंग जो बीम आई है आपके पास, डिस्टेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्टेंस जो होगा वो है दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर। तो ये डिस्टेंस है आपके पास, और ये है आपके पास पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। और आपको बोला गया है कि आपको बताना है बेंडिंग मोमेंट एट सी, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी आपको बताना है। तो सी पॉइंट पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट बताएंगे, लोड्स कैसे रहेगी, लोड आपके पास रहेगी UDL कितने की, 80 किलो न्यूटन पर मीटर, और उसको आप कहीं भी और भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। आपको बताना है मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, आपको यहाँ पर बताना है मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सी, सिमिलरली मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सी, ये दोनों की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करेंगे हम, सी पॉइंट पे बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम ILD बना लेते हैं। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं क्या बना रहा हूँ, ILD बना रहा हूँ, तो ये क्या है, दिस इज ए पॉइंट, ये क्या है, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। तो ये सी पॉइंट पे मैं क्या किया, ILD बना दिया। अच्छा मेरे को बताइए ये क्या है, टोटल स्पैन की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और ए से बी का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है हमारे पास एल, और एल कितना दिख रहा है आपको, 7 मीटर्स, एल कितना दिख रहा है आपको, 7 मीटर्स, ई आपको दिख रहा है 3 मीटर्स, और एफ आपको दिख रहा है कितना, 2 मीटर्स। तो यहाँ पर अगर मैं ILD किसके लिए बना रहा हूँ, मैं ILD बना रहा हूँ, मैं बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट के लिए बना रहा हूँ। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट के लिए मैंने बनाया। टॉप पॉइंट जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, ए इंटू बी बाय एल, टॉप पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ए इंटू बी बाय एल। इसको अगर मैं नीचे लेके गया कंटिन्यूएशन में, इसको मैं बढ़ाया, ये वाला पॉइंट कितना होता था मैंने आपको बताया था, ए की जगह पे क्या लिख लेना आप, ई, बाकी बी बाय एल। सिमिलरली यहाँ पर बी की जगह पे क्या लिखेंगे आप, एफ बाय एल। तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू एफ बाय एल। क्लियर है यहाँ तक। चलिए मेरे को बताइए ए कितना है, ए है आपके पास 3 मीटर, बी कितना है आपके पास 4 मीटर, और एल कितना है आपके पास 7 मीटर। तो हो जाएगा 3 × 4/7, वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12/7, ठीक है, कितनी हो जाएगी ये 12/7। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ E × B/L, ई कितना है 3 मीटर, बी कितना है आपके पास 4 मीटर, तो अगेन ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 3 × 4, ये भी हो जाएगा 12/7। यहाँ पर अगर मैं A × F की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा 3 × 2/7, वो कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी 6/7। समझ में आया क्या, समझ में आया। तो ये कितना हो गया आपके पास, दिस वन वॉज 12/7, दिस वन इज 12/7 एंड दिस वन इज
सिक्स बाय सेवन, तो हो जाएगा माइनस माइनस, एंड ऊपर वाला कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी प्लस। चलिए ये तो हमने हो गया, हमारे पास ILD बन गई। अब मुझे क्या बताना है कि ये जो UDL है उसको मैं प्लस कैसे, उसको मैं प्लेस कैसे करूँगा ताकि मुझे क्या मिल जाए, मैक्सिमम पॉजिटिव क्या मिल जाए, मुझे बेंडिंग मोमेंट मिल जाए। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की बात हो रही है, तो ये जो पॉजिटिव वाला जो ट्रायंगल है मैं उसी के ऊपर लोड को भी प्लेस करूँगा। तो मैं लोड को मैं कहाँ पर प्लेस किया, मैंने जहाँ पर पॉजिटिव वाला ट्रायंगल बन रहा है, इंटेंसिटी कितने की, 80 की। तो मैक्सिमम पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 इंटू, इसका अगर मैं बात करूँ बेस कितना है ये, दिस वन इज 7 मीटर, तो 80 इंटू एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 7 इंटू दिस इज 12/7। सॉल्व करेंगे आप इसको। सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम नेगेटिव की बात करूँ तो मैक्सिमम नेगेटिव में आप लोड को कहाँ पे प्लेस करेंगे, नेगेटिव वाले ट्रायंगल के ऊपर, मतलब कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों के ऊपर आप क्या करेंगे, लोड को प्लेस करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास हो जाएगा 80 इंटू, दोनों का एरिया आप ले लेंगे, फर्स्ट वाले का एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ इंटू बेस कितना ये, 3 मीटर, हाफ इंटू 3 इंटू 12/7, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू माइनस 12/7, क्योंकि ट्रायंगल कैसा बन रहा है, नीचे। सिमिलरली दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 80 हाफ इंटू 2 इंटू माइनस 6/7। समझ में आया? तो आपको इस केस से आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू मैं पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए आप उसको, उसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 7 कट जाएगा, 8 6 480, आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 480 कुछ आ रहा होगा, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज प्लस 480 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसको भी आप, ये दोनों को और ये दोनों को आप सॉल्व करके आप उसको ऐड करिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस 274.29, दिस वन विल बी माइनस 274.29 किलो न्यूटन मीटर। तो आपको इस पैटर्न से आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन को आपको डील करना है तो क्वेश्चन में पहले देखना पड़ेगा क्वांटिटी पूछा क्या गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया आपको बस बताना है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, मैक्सिमम पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है और मैक्सिमम नेगेटिव कहाँ पर आ रहा है। तो पॉजिटिव के बारे में पूछा गया, तो जो पॉजिटिव ट्रायंगल है मैं उसके ऊपर लोड को प्लेस कर दिया। सिमिलरली नेगेटिव के बारे में पूछेंगे तो जो नेगेटिव ट्रायंगल है मैं उसके ऊपर भी लोड को मैंने प्लेस कर दिया, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की आपको वैल्यू मिल गई है, क्लियर। तो इस वे से आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेम क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 3 3 4 एंड 2, सेम क्वेश्चन रहा। अगर मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, और ये आपके पास ओवरहैंग का पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास सपोर्ट है। अगेन सेम क्वेश्चन है, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 2 मीटर, और यहाँ पे जो लोड जो जा रही है, रोलिंग लोड जो जा रहा है वो कैसा जा रहा है आपके पास, कुछ इस टाइप से जा रहा है, ये आपके पास है 200 किलो न्यूटन और दिस इज 80 किलो न्यूटन। अगेन जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.8 मीटर की है, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए फिर से कि मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सी कहाँ पर मिलेगा और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सी आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अगेन कैसे करोगे आप इसका, ILD बनाओगे, ILD बनाने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव वाला ट्रायंगल कौन सा है, तो उसके ऊपर आपको ये वाली जो लोड है वो प्लेस आप किस हिसाब से करोगे, तो आप वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं तो नॉर्मल UDL के लिए बता दें तो UDL तो पूरे में प्लेस हो जाएगा, लेकिन पॉइंट लोड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे में तो जा नहीं सकता, ये तो बहुत ही छोटा सा लोड है 0.8 का, तो इसमें आपको ऑर्डिनेट्स वगैरह भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा कंसेप्चुअल थोड़ा सा डिफिकल्टी उस कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी, बट मेरे को इसका आंसर चाहिए कि आप मेरे को बताएंगे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आपको कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसका कमेंट करके बताएंगे कि इसमें आपका वैल्यूज़ कितनी आई है, ओके। चलिए तो ये अभी आपका मैंने जितना बताया ये नॉर्मल क्वेश्चंस थे आपके पास शेयर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट को निकालने के लिए। एक थोड़ा मैं एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आपसे डील करता हूँ, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके कॉम्पिटेटिव लेवल पर आए या फिर गेट एग्जाम्स वगैरह में भी आ सकते हैं। मान के चलिए आपके पास एक बीम है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज ऑल्सो सी।
सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। डिस्टेंस की बात करूँ तो ये आपके पास 6 मीटर और ये भी आपके पास टोटल स्पैन 6 मीटर की है। बट यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे आपके पास एक इंटरनल हिंज लगी है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या लगा आपके पास, एक इंटरनल हिंज। तो ये 6 मीटर का था, तो अब ये क्या हो गया, सेंटर पे लगा है, तो ये कितने का हो गया, 3 3 मीटर्स का आपके पास हो गया, क्लियर। तो ये ए बी सी का है आपके पास। अगर मैं बोलूँ कि आपको ILD बनाना है फॉर रिएक्शंस, ठीक है, सारे रिएक्शंस के लिए बनाना है आपको, सारे रिएक्शंस के लिए आपको क्या बनाना है, उसका ILD बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रिएक्शंस आएगा कौन कौन सा, RA, RB और RC आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं ILD किसके लिए बना रहा हूँ, मैं RA के लिए बना रहा हूँ। ILD किसके लिए बना रहा हूँ, मैं RA के लिए। तो अगर मैं A से B को अगर मैं देखूँ तो नॉर्मल आपको क्या दिख रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं A से B को देखूँ तो नॉर्मल अगर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ से जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम के रिएक्शन की बात करते थे, जिस पॉइंट की, जैसे मैं A की बात कर रहा हूँ, तो उस वाले पॉइंट को हम कैसे करते थे, उसको हम उठा देते थे कितने से, 1 यूनिट से, और दूसरे वाले पॉइंट पे जाके वो क्या करते थे, हम उसको जोड़ देते थे, ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट पे क्या करते थे, हम उसको जाके जोड़ देते। प्लीज़ पार्डन माई डायग्राम, ठीक है, थोड़ा सा मेरा डायग्राम मेरा उतना अच्छा नहीं होगा, तो उसको प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो ये मैंने बी पॉइंट पे जोड़ दिया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पूरा सी तक जाएगा क्या, नहीं। यहाँ पर क्या है आपके पास, क्या है, एक इंटरनल हिंज है, ठीक है। अब इंटरनल हिंज मूव कैसे करेगा, तो देखिए अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को अगर मैं उठाया तो ये तो ठीक है, यहाँ पर तो ये नीचे आ गया, लेकिन जो इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज भी क्या होगा, नीचे क्या कर जाएगा, वो मूव कर जाएगा, समझ में आया। इसको अगर मैं हटा दे रहा हूँ, इस सपोर्ट को अगर मैं हटा दे रहा हूँ, सपोर्ट को हटा के मैं इस पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं अगर उठा दिया तो यहाँ से तो उठेगा ही उठेगा, लेकिन सिंस यहाँ पर इंटरनल हिंज है ना, तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, इधर से वाला पॉइंट बेंड भी हो जाएगा। मतलब इसको सपोर्ट को हटा के मैं उठाया तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा कैसे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये वाला डी जो पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पर ट्रैवल करेगा। तो अगर मैं इस डी पॉइंट की बात करूँ तो डी पॉइंट भी क्या हो रहा है, आपके पास नीचे मूव कर रहे, ठीक है। ये वाला डी पॉइंट जो है वो भी क्या कर रहे हैं, नीचे मूव कर जा रहा है, ठीक है। तो ये नीचे मूव किया, डी पॉइंट तक आया और फिर वापस जाके क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे तो सपोर्ट है ही, लेकिन जिस पॉइंट पे सपोर्ट था अभी बी पॉइंट पे भी सपोर्ट है तो वहाँ पर भी जीरो हो गया। सिमिलरली सी पॉइंट पे भी सपोर्ट है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये जीरो जाके कंप्लीट ये मिल जाएगा, समझ में आया। ये कोई कर्व्ड है नहीं, थोड़ा मेरा लाइन थोड़ी मेरी भली टेढ़ी बनी होगी, ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा, एक्चुअली ये बहुत ऊपर चले जाता तो इसी कारण मैंने यहीं से इसको निपटा दिया। तो ये वाला क्या होगा, इस वाले पॉइंट का मैं सपोर्ट हटा के एक यूनिट लोड से अगर मैं इसको यूनिट डिस्टेंस में इसको ऊपर उठाया तो यहाँ पर तो आएगा ही आएगा, लेकिन सिंस ये इंटरनल हिंज है तो इसको मैं उठाऊंगा तो ये भी क्या होगा, नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा, समझ में आया। तो आपको इसका ऑर्डिनेट आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा कि ये कितने ऑर्डिनेट का यहाँ पर ट्रैवल करा। ये तो आपके पास 1 है, टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 मीटर। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। इंटरनल हिंज की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान के चलिए आपके पास क्या है, किसी को इंटरनल हिंज अगर नहीं समझ में आया तो मान के चलिए ये है आपके पास ए से बी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी बी से सी क्या हो गया, एक और मेंबर यहाँ पर जुड़ गया, बी से सी क्या हो गया, एक और मेंबर है, और ये दोनों के बीच में ना यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर लगा है इंटरनल हिंज। बी पॉइंट पे क्या लगा है, यहाँ पर इंटरनल हिंज। अगर मैं इस वाले जो बी सी स्पैन है, अगर मैं यहाँ पर कुछ लोड दिया या फिर इसको मैं ऊपर या फिर नीचे उठाने की कोशिश किया, तो जैसे ही अगर मैं इसको ऊपर उठाने की कोशिश करूँगा तो जो पूरा आपके पास जो ये वाला जो स्पैन है ये कैसा हो जाएगा, आपके पास ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले स्पैन को अगर मैं नीचे ढकेलने की कोशिश किया तो ये वाला जो है ये कैसा हो जाएगा, आपके पास ये नीचे पर आ जाएगा। लेकिन सिंस मैं लोड यहाँ पर लगा रहा हूँ तो जो भी इसका असर होगा वो सिर्फ इसके जहाँ पर इंटरनल हिंज है बस वहीं तक ही असर होगा। ए पॉइंट पे या फिर ए से बी वाले स्पैन पे कोई भी यहाँ पर क्या होगा, कोई भी यहाँ पर शेप यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। जिस अगर सी पॉइंट को मूव करवा रहा हूँ मैं तो सिर्फ जो पॉइंट पे हिंज जो लगा है, इंटरनल हिंज जो लगा है, सिर्फ वहीं से क्या करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है। अगर ये इंटरनल हिंज नहीं होता, यहाँ पर बी पॉइंट पे इंटरनल हिंज नहीं होता और मैं सी को उठाता
तो ये पूरा ए से मूव करता क्योंकि ये पूरा ए की कॉम्पोनेंट हो जाता। अगर यहाँ पर इंटरनल हिंज नहीं होता, सी को अगर मैं उठाता तो पूरा ए से उठता वो, लेकिन सिंस यहाँ पर मैंने एक इंटरनल हिंज लगा दिया है तो अगर मैं इसको उठाऊंगा तो सिर्फ कहाँ से डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पर सिर्फ बी पॉइंट से आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी होती है इंटरनल हिंज की। तो सिमिलरली अगर मैं आईएलडी बनाऊंगा तो यहाँ पर तो सपोर्ट है, तो इसको अगर मैं उठाया तो ये सपोर्ट तक तो ज़ीरो आएगा ही आएगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, नीचे पे ट्रैवल करेगा, फिर वापस इस पॉइंट पे भी सपोर्ट है तो वापस जाके वो क्या हो जाएगा, सी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अब मेरे को बताना है कि जो डी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट कितना होगा। तो आप देख लीजिए, ये कितना है आपके पास, 6 मीटर, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3 मीटर। तो आप ये वाला ट्रायंगल जो है और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों को आप कंपेयर कर लेना सिमिलर ट्रायंगल से, तो इसका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा 1/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर को मैं एक्स मान लिया और इसको मैं कितना मान लिया, बेस को 3 मीटर आपको गिवन है। तो ये जो ऑर्डिनेट जिसको मैंने एक्स एक्स माना है, वहाँ से आप एक्स निकाल लेना, तो एक्स कितना हो जाएगा आपके पास 0.5। तो आप यहाँ से डी को आप कितना लिख लोगे, इसको आप लिख लोगे 0.5। क्लियर है? एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 0.5। तो आप इस हिसाब से आप क्या बनाओगे, आईएलडी आप हर एक पॉइंट का बनाओगे। तो ए का मैंने बना दिया, सिमिलरली अगर मैं आईएलडी फॉर किसका बनाया, मैं बी पॉइंट का अगर बनाया, आईएलडी फॉर रिएक्शन एट बी, तो वो कितना हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और यहाँ पर क्या है आपके पास, डी क्या है आपके पास, एक इंटरनल हिंज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास, एक इंटरनल हिंज है, ये जो पॉइंट है ये क्या है आपके पास, एक इंटरनल हिंज है। तो अगर मैं रिएक्शन एट बी का अगर मैं बनाया, तो अगर मैं सिर्फ ए से बी देखता, सिंपली सपोर्टेड बीम को अगर देखता, तो बी क्या होता आपके पास, 1 से उड़ जाता और ये ए पे कितना मिलता, 0 से जाके मिल जाता। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम में, जहाँ पर भी आप रिएक्शन निकाल रहे हो उसको आप क्या करो, यूनिट डिस्टेंस से आप उसको ट्रैवल करवाओ और दूसरा उसका जो एंड है वहाँ पे जाके उसको मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मिला दीजिए, तो ये ए से आपके पास बी गया, लेकिन ये क्या है आपके पास, इसके बाद में क्या दिख रहा है आपको, इंटरनल हिंज दिख रहा है, तो ये भी पॉइंट क्या करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा। तो जैसे ही आप बी को पकड़ के उठाओगे ना, तो सिर्फ बी नहीं उठेगा, यहाँ से आपका डी भी क्या करेगा, उठते हुए जाएगा। तो यहाँ से आपके पास अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है डी, अब वो कहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा, और वापस कैसे मिलेगा, ये सी पॉइंट पे जाके मिल जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास आईएलडी किसका, आर बी के लिए। आर बी के लिए क्यों है, क्योंकि आर बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1। तो मेरे को बात बताइए, अगर ये आपके पास 6 मीटर है, दिस इज अगेन 3 मीटर, दिस इज अगेन 3 मीटर, तो मेरे को बताइए ये वाली जो ऑर्डिनेट है ये कितनी हो जाएगी, इसको आप मान लीजिए एक्स, इसको आप मान लीजिए एक्स। तो पहले मैं ये वाले ट्रायंगल को देखता हूँ, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू, ये पूरे ट्रायंगल को देखूंगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आप मेरे को यहां से बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना आपके पास, टोटल 9 मीटर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 9/6, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1.5। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1.5। तो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास आईएलडी किसके लिए, रिएक्शन एट बी के लिए। समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास इंटरनल हिंज जब भी रहेगा तो इंटरनल हिंज कैसे मूव करेगा आपके आईएलडी के साथ, वो आपको बताना है। बेसिकली ये प्रिंसिपल कौन सा होता है, ये प्रिंसिपल होता है मुलर ब्रिस्लो प्रिंसिपल। मुलर ब्रिस्लो प्रिंसिपल ये होता है कि अगर आप जब भी रिएक्शन के लिए जब भी आप आईएलडी बना रहे हो, तो जिस पॉइंट पे भी आपको रिएक्शन बताना है उस वाले पॉइंट को आप सिंपल से क्या कर लीजिए, आप उसको यूनिट आप डिस्टेंस से उसको क्या कर लीजिए, ऊपर की ओर उठा दीजिए। ठीक है, तो जैसे ए पॉइंट पे बताना है, तो मैं ए पॉइंट को मैंने यूनिट डिस्टेंस से ऊपर की ओर उठा दिया, फिर आपको देखना है कि आपके पास जो बाकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मूव करेगा, उसका आपको नॉलेज, उसका आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपको समझ में आएगा कि जो डायग्राम जो है, जो इंटरनल हिंज है, ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे समझ में आएगा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखते जाओगे उतना ही नंबर ऑफ चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, इसको हम बोलते हैं मुलर ब्रिस्लो प्रिंसिपल। सिमिलरली अगर मैं रिएक्शन ऑफ आर सी के लिए बताया, आईएलडी किसके लिए, फॉर आर सी, तो ये है मेरे पास, तो ये है मेरे पास ए, दिस इज सी, दिस इज बी, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, ये ओवर हैंग बना दिया मैंने गलती से। हमारे पास कैसा था डायग्राम? कंटिन्यूस था। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर लगा है हमारे पास इंटरनल हिंज। मैं क्या बना रहा हूँ? रिएक्शन सी पॉइंट के लिए बना रहा हूँ, आर सी के लिए बना रहा हूँ। तो आर सी के लिए जो मैं क्या बताया था, मुलर ब्रिस्लो प्रिंसिपल क्या बताया था मैंने, कि जहाँ पर भी आपको रिएक्शन, जिस पॉइंट पर भी बताना है, रिएक्शन निकालना है, आई एल डी बनाना है, तो उस पॉइंट को आप क्या करना, ऊपर उठा देना कितने से, 1 यूनिट डिस्टेंस से। तो इसको मैंने ऊपर उठा दिया, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको ऊपर उठा दिया, यहाँ पर कितने से, 1 से। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर मैं इसको ऊपर उठाया तो ये वाला पॉइंट कैसा रहेगा आपके पास, ये वाला पॉइंट आपके पास डायरेक्ट यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके आगे पे कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कैसे? यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि अगर मैं सी को अगर मैं उठा दिया, सी को अगर मैं उठा दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये जो बीम है, वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, ये आपके पास डायरेक्ट यहीं पर आ गया। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस देखने को मिला क्या? नहीं देखने को मिला। बस आपने सी को उठाया तो जाके सिर्फ ये वाला कॉम्पोनेंट है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है ना, तो ये मेरा ए पॉइंट है, दिस इज़ बी पॉइंट एंड दिस इज़ सी पॉइंट। इसको मैं बस ऐसे उठा दे रहा हूँ, इसको मैं कैसे उठा दे रहा हूँ, सिर्फ ऐसे, या फिर इसको मैं नीचे की तरफ मूव करा दूँ। तो मेरा ये वाला जो मेरा बाइसेप्स वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर भी कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज़ माई इंटरनल हिंज पॉइंट, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ, ऐसा है नहीं, बट इस वाले पॉइंट को क्या बोल सकता हूँ, इसको एज अ इंटरनल हिंज क्या कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, जो भी चेंजेस देखने को मिलेगा मेरे इस वाले पॉइंट पे देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इसको उठाऊंगा तो सिर्फ ये जो बीम जो उठेगी वो कहाँ से उठेगी, सिर्फ इस वाले पॉइंट से उठेगी, यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, रिएक्शन एट सी पॉइंट आपके पास बन गया, ठीक है। तो इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डिनेट तो सी ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे टाइप से आपको क्या बनाना पड़ेगा, जब भी इंटरनल हिंज रहेगा आपको इस टाइप से आपको उसका क्या रहेगा, उसका अप्रोच रहेगा कि आपको कैसे उसको डील करना है। समझ में आया चीज़ें कैसे करना है आपको? तो आपको इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर्स को, आपको आईएलडी को डील करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि उसमें कॉम्पोनेंट्स कैसे लगे हैं, किस टाइप से वो मूव कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से आपके पास रहेगा, और भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम उसको भी देखते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही। इसको बस जो भी मैं बता रहा हूँ उसके नोट्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसे फालतू चीज़ें डेफिनेशंस वगैरह लिखवाता नहीं हूँ, जो कॉन्सेप्ट है बस उसी को लिखाता हूँ। डायग्राम्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं। आप डायग्राम्स को अच्छे से नोट डाउन करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए अभी इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ जो भी मैं बताया हूँ उसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है, आंसर्स वगैरह जो भी है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।